तो जी पाकिस्तान के लोग इनवाइट कर रहे हैं इंडियन लोगों को। हाँ जी दोस्तों, 2025 के अंदर चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है पाकिस्तान के अंदर, और इसके अंदर भारत ने, टीम इंडिया ने जाने से फिलहाल तो मना कर दिया है, लेकिन अभी इसको होने में 4 साल बाकी है, मतलब 2025 में होने वाली है। और तो आगे का तो हम कुछ कह नहीं सकते कि हाँ इंडिया जाए क्या नहीं जाएगा, लेकिन हम जानने वाले हैं, सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं पाकिस्तान के लोग इंडिया के लिए कैसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे देश में आइए, आपको हम यहाँ पर पूरी खातिरदारी करेंगे और आपका पूरा ख्याल रखेंगे, आप हमारे देश में आओ। तो चलिए पाकिस्तान के लोगों से सुन लेते हैं कि वो कैसे टीम इंडिया और इंडियन लोगों की मेहमान नवाजी करेंगे। तो चलिए, तो कोई मसला नहीं, मैं इंडियन को फैन को कहूँगा कि आप जरूर आए, आपको हम बहुत अच्छा हमारी तरफ से प्यार है, वेलकम कहते हैं हम। खिदमत हम ऐसी कर सकते हैं कि उनको मछली खिला सकते हैं और खुद हम दाल खा लेंगे। सर जी, पाकिस्तान तो ये कि बहुत सेफ मुल्क है, अभी सिक्योरिटी का कोई मसला है नहीं। बहुत बहुत खिदमत करेंगे। देखिए पहले जब इंडिया आती थी तो इतना मोहब्बत मिलता था, इतना प्यार लोग देते थे, यहाँ तक कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट हाउस पे भी इंडिया के झंडे लहराए थे। तो ये अमन का पैगाम है इससे, और अब क्या कह सकते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? हाफिज यासिर। सर, ICC ने 2025 की जो चैंपियन ट्रॉफी है पाकिस्तान में की है, इसमें इंडिया ये खदशात पेश कर रहा है कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, यहाँ पे सिक्योरिटी का मसला है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे इंडिया को? नहीं देखिए, इंडिया को पाकिस्तान में आना चाहिए, पाकिस्तान बहुत अच्छी टीम है। जिस तरह पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली मैच सीरीज़ के लिए T20 वर्ल्ड कप हुआ है, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला है, परफॉर्म किया है। पाकिस्तान की आवाम जो है वो क्रिकेट से लव करती है, प्यार करती है, तो इंडिया को आना चाहिए, बिल्कुल हम उनको फुल सिक्योरिटी देंगे। नहीं देखें, ये सबसे बड़ी जो वर्ल्ड की चैंपियन है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, जबकि वो आ रही है पाकिस्तान में, PSL भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहा है, सारी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर है, तो इंडिया को भी आना चाहिए। मैं मैसेज दूंगा कि जब सारी दुनिया की टीमें आ रही हैं और हमारी सिक्योरिटी बहुत अच्छी जा रही है, तो उनको भी आना चाहिए, तो हर तरह की उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। जैसे कि आप देखेंगे सदर लेवल की इनको सिक्योरिटी दी गई है, तो कोई मसला नहीं, मैं इंडियन को फैन को कहूँगा कि आप ज़रूर आएँ, आपको हम बहुत अच्छा हमारी तरफ से प्यार है, वेलकम कहते हैं हम। सर जी, पाकिस्तान तो ये कि बहुत सेफ मुल्क है, अभी सिक्योरिटी का कोई मसला है नहीं। अमन है यहाँ पर, ये देखिए लोग घूम रहे हैं, बाहर के लोगों को तो सही तहफ़ दे रहे हैं हम, हालात ठीक ठाक हैं। इंडिया को खेल को नहीं लेके आना चाहिए सियासत के अंदर, बहुत अच्छा माहौल है, आएँ खेलें, खेल के हमें बताएं कि हम खेल सकते हैं, अगर वो खेल नहीं सकते तो अलग मसला है। वैसे पाकिस्तान में कोई इस किस्म की मसला नहीं है कि वो खेलना नहीं चाहते, सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, अमन है, सब ठीक ठाक हैं, बहुत प्यार करने वाले लोग हैं हम, मेहमान नवाज लोग हैं, वो आएँ देखें, इंशाल्लाह किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। तो यार, ये इंडियन टीम के लिए क्या मैसेज है आपका, क्या उनको पाकिस्तान आना चाहिए? यार इंडियन टीम के लिए यही मैसेज है कि उन्हें पाकिस्तान ज़रूर आना चाहिए, अगर वो पाकिस्तान में आएंगे तो पाकिस्तान भी वहाँ जाना शुरू करेगा, तो इससे क्रिकेट को फ़र्ग मिलेगा, क्रिकेट को फ़र्ग मिलेगा, इससे दोनों मुल्कों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, दुनिया क्रिकेट के लिए पॉजिटिव वेव एक जाएगी, अच्छा समझेंगे, जो नेगेटिव वेव है पाकिस्तान के लिए या इंडिया के लिए भी वो ख़त्म हो जाएगा, इससे क्रिकेट की बहाली होएगी, सिर्फ पाकिस्तान को ही फ़ायदा नहीं होगा इससे, क्रिकेट जो इंडिया की है वो भी अच्छी होगी। देखा जाए अब दुबई में जो वर्ल्ड कप हुआ है, इंडिया ने ऑर्गेनाइज़ किया वो दुबई में हुआ है, लेकिन इसका ये भी था अगर इंडिया में होता तो पाकिस्तान मना कर सकता था, हम नहीं वहाँ जाते, ये तो अभी तो कोरोना का मसला चला है ना, वो इस वजह से दुबई में हुआ है, अगर ना मसला होता पाकिस्तान मना कर सकता था कि हम वहाँ जाकर नहीं खेलेंगे, तो मसला पैदा होना था। अब पाकिस्तान में आया तो इंडिया वालों को आना चाहिए, दोनों मुल्कों के लिए इसमें बेहतरी है, क्रिकेट के लिए बेहतरी है। सबसे पहले तो ICC का शुक्रिया कि उन्होंने इतने साल बाद पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल की, तो इंडिया को ज़रूर आना चाहिए, मिलके खेलना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, बेंगे हम साया मुल्क, एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा हमें। मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान में आओ, हम आपको बहुत प्यार देंगे, पाकिस्तान बहुत अच्छी टीम है, पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान में आपको बहुत कुछ मिलेगा, यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, हमें भी कुछ खुशियों का मौका दें, हमारे पास चैम्पियन ट्रॉफी का मौका मिल ही रहा है, तो प्लीज़ आप ना हमारी खुशियाँ बर्बाद ना करें, तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट होगी कि आप ज़रूर आएँ। अच्छा, तो इंडियन ऑडियंस को आप क्या मैसेज देंगे, वो भी थोड़ा नाराज़ हुए हैं कि पाकिस्तान नहीं आना चाह रहे? मैं उनको यही कहूँगा कि सर जैसे आपके जज्बात हैं, आप क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, हम भी इस तरह मोहब्बत करते हैं, अगर आपको आपके पास कोई टीम ना आए तो आपको बुरा लगेगा, इसलिए अगर इधर भारत ना आए तो हमें भी तो बुरा लगेगा, हम यही कहना चाहूँगा कि मैं कि आप थोड़ा पॉजिटिव होकर सोचें, मतलब हमारी खुशियों को सोचें, इस तरह तो मतलब सही नहीं होगा कि अगर आपकी टीम पाकिस्तान में आई तो। मोस्ट वेलकम। अच्छा, उनको पाकिस्तान में कहाँ घुमाएंगे? यार बरकत मार्केट में आए हैं, यहाँ के इनको लासानी बर्गर खिलाएंगे, आप आएँ तो सही पहले एक दफ़ा।
अच्छा एनी मैसेज फॉर इंडिया जी, कोई अच्छा गुड पॉजिटिव मैसेज इंडिया के लिए? यार पॉजिटिव ये जिस तरह के हम मेरे काफ़ी इंडियन फैन भी हैं, काफ़ी दोस्त हैं मेरे, काफ़ी इंडिया में रहते हैं, बहुत अच्छी है हमारी आपस में दोस्ती है, सिर्फ ये पॉलिटिक जो है इस वजह से हमारे वो क्राइसिस है मुल्क के। और पॉजिटिव मैसेज यही है, आप एक दफ़ा आए, आकर देखें हम लाहौरियों की कैसी हम वेलकम करते हैं, आप एक दफ़ा आप आए। तो यार अगर इंडिया पाकिस्तान आ जाता है तो आप उनको चैंपियन ट्रॉफी गिफ्ट नहीं करोगे? नहीं वो तो फिर आप हम जे मुकाबला करेंगे, जीत कर ही ले सकते हैं, ऐसे तो हम जने नहीं देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो जीत के क्रिटिसाइज तो नहीं करोगे? नहीं बिल्कुल नहीं, हम उनको अप्रिशिएट करेंगे, हर टीम ने अपनी परफॉर्मेंस पर जीतना है, तो ऐसा कोई नहीं है, अगर वो जीते हैं तो हम उनको अप्रिशिएट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इंटेलिजेंस दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस है, दुनिया में मानी जाती है, तो उनको इश्यू होना नहीं चाहिए इस बारे में, उनको मुतमैन होना चाहिए, इंशाल्लाह पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान की फौज, कोई डाउट नहीं होना चाहिए उनको, इंशाल्लाह बेहतरीन सिक्योरिटी मिलेगी उनकी, मेहमान नवाज हो गए पाकिस्तान के, उनको अच्छा प्रोटोकॉल मिलेगा इधर, इंशाल्लाह बेहतरीन टूर्नामेंट होगा। चैंपियन ट्रॉफी की ट्रॉफी अगर पाकिस्तान इंडिया का फाइनल आ जाता है तो पाकिस्तान को चाहिए इंडिया को गिफ्ट कर दे ट्रॉफी? नो, गिफ्ट नहीं करनी, मुकाबला करके जीतना है, और मुकाबला करके मतलब है उनके साथ करना है, गिफ्ट क्यों करना है, तो फिर क्रिकेट का मजा ही नहीं आएगा, वो खेलें लड़के खेलें, इंशाल्लाह पाकिस्तान बेहतर खेलेगा, जीतेगा इंशाल्लाह। कोई मैसेज दे दें इंडियन ऑडियंस के लिए? इंडियन को बोलता हूँ कि आए पाकिस्तान देखें, बहुत प्यारे लोग हैं, प्यारा मुल्क है, इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा, हम बहुत मेहमान नवाज लोग हैं, आप याद करोगे। अच्छा देखा जाए तो अगर पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज हो तो हो सकता है कि बाकी इख्तलाफात भी ख़त्म हो जाएं, तो एक मसलन दो दुश्मन ममालिक हैं दोस्त बन के ऊपर आएँ, ये भी हो सकता है पॉजिटिव वे में अगर देखा जाए तो। अच्छा इंडिया इंडियन पीपल के लिए कोई मैसेज पॉजिटिव? यार इंडियन पीपल्स के लिए यही पॉजिटिव मैसेज है कि हम आप लोगों से बहुत मोहब्बत करते हैं, आप लोग भी हमसे मोहब्बत रखें, हम पॉजिटिव वे में आपको देखते हैं, आप भी पॉजिटिव वे में हमें देखें। आपको खुद खिदमत करने का मौका मिले तो आप कैसे करेंगे? और खिदमत हम ऐसी कर सकते हैं कि उनको मछली खिला सकते हैं और खुद हम दाल खा लेंगे, इतना हम कर सकते हैं उनके लिए। क्या बात, ये देखें यार पाकिस्तानी कितना प्यार करते हैं इंडियन से, तो यार प्लीज़ आ जाओ पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी खेलने, बड़ा मज़ा आएगा, ये गेम है, गेम को गेम समझ के खेलें। यार इंडिया अगर पाकिस्तान आती है तो आप उनको चैंपियन ट्रॉफी गिफ्ट नहीं करोगे? चैंपियन ट्रॉफी अभी मुकाबला करेंगे, अगर वो इस काबिल हुए कि चैंपियन ट्रॉफी जीतने वाले, अभी मतलब खेलेंगे सारे सही, जो बेहतर खेलेगा वो चैंपियन ट्रॉफी ले जाएगा। और इससे ये होगा ना देखिए, अगर हम एक दूसरे से आपस में खेलेंगे तो पूरी दुनिया में अमन का पैगाम जाएगा, ये सबसे बेहतर बात है। अच्छा तो अगर इंडियन टीम पाकिस्तान आती है तो अगर आपको खुद खिदमत करने का मौका मिले तो कैसे करेंगे? बहुत बहुत खिदमत करेंगे, देखिए पहले जब इंडिया आती थी तो इतना मोहब्बत मिलता था, इतना प्यार लोग देते थे, यहाँ तक कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट हाउस पर भी इंडिया के झंडे लहराए थे, तो ये अमन का पैगाम है इससे, और अब क्या कह सकते हैं। अच्छा कोई मैसेज देना चाहेंगे इंडियन पब्लिक को? इंडियन पब्लिक को यही मैसेज है कि अपनी टीम को कहेंगे हम पाकिस्तान के ज़रूर खेलें। पाकिस्तानी को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हाँ पहले आपके भी आपके चैनल पे इंटरव्यू दिया था मैंने, तो उसमें यही कहा था कि पाकिस्तान को अपनी क्रिकेट इंप्रूव करनी चाहिए, जब से पाकिस्तान ने अपनी क्रिकेट इंप्रूव की है T20 वर्ल्ड कप के, तो देखें इंग्लैंड भी आ रहे हैं और दो एक्स्ट्रा मैच भी खेलना चाह रहा है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया भी आना चाह रहा है, तो हमें अपनी क्रिकेट इंप्रूव की है तो इससे कुछ फ़र्क पड़ा है हमें। तो जी दोस्तों पाकिस्तान के लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, एक वो पाकिस्तान जहां आतंकवाद हमें दिखता है, दूसरा ये पाकिस्तान जो लोग इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, इनको देख के बिल्कुल नहीं लगता कि एक पड़ोसी मुल्क ही हमारा एक दुश्मन मुल्क है जो हमारे साथ इतने गलत काम करते रहता है और इसके अंदर ऐसे आतंकवादी लोग भी बैठे हैं। देखो दोस्तों मानना यह कि हर एक इंसान अलग हो सकता है, हाथ की पाँचों उंगलियाँ भी समान नहीं होती। और वीडियो के बारे में आपको बता दूँ, आपने पता ही होगा कि 2025 के अंदर चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है, जो कि पिछली बार पाकिस्तान जीत गया था, तो वो इस बार होने जा रही है पाकिस्तान के अंदर। और आपको पता है वहाँ पे न्यूजीलैंड की टीम ने भी वहाँ से वापस आ गई थी, एक बार उन्होंने मैच की टॉस तक कर ली थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना सिक्योरिटी इशू देकर वहाँ से मैच नहीं खेला और अपने देश में चले गए। तो सिक्योरिटी का इशू जो है पाकिस्तान के अंदर हमेशा बना रहा है, पहले भी और आज भी, क्योंकि हालात वहाँ पर कुछ ऐसे ही है। तो इसी की वजह से टीम इंडिया ने 2025 में होने वाली चैंपियन ट्रॉफी के अंदर जाने से फिलहाल तो ऐसा ना तो उन्होंने हाँ बोला है, फिर ना उन्होंने मना किया है, तो कुछ ऐसा है कि इंडिया की टीम को पाकिस्तान जाए बहुत साल हो चुके, तो अभी तो बहुत टाइम है, 2021 है, तो 2025 में होने वाली है, तो 4 साल हमारे पास है, तो 4 साल में क्या होगा कुछ नहीं कह सकते हम। लेकिन अगर इंडिया और पाकिस्तान के मैच पाकिस्तान के अंदर हो तो आप लोगों को कैसा लगेगा, कितना इंटरेस्टिंग वो मैच होगा, अगर दोनों टीमें फाइनल खेले कितना अच्छा होगा वो गेम। तो दोस्तों इसके लिए तो आपको हमें 4 साल तक वेट करना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, जल्दी ये 4 साल भी निकल जाएंगे, कुछ नहीं पता लगता टाइम का मेरे भाई। तो चलिए आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।